खटीमा के नागरिक अस्पताल में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी हुई शामिल। लाल कुआ में विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन, इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी दिव्यांगों को विश्व दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं दी गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में हल्की बारिश होने से तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को ठंड से बचने के लिए लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हरिद्वार, केंद्रीय उपाध्यक्ष ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और कई साधु संतों से की मुलाकात। और बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत पहुंचे अल्मोड़ा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर यशपाल रावत का किया जोरदार स्वागत, यशपाल रावत अपने समर्थकों के साथ तल्ला सल्ट में किए रोड शो। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए भाजपा ने देहरादून के परेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनसभा आयोजित की, जिसको बताएं कि पिछले 2.25 महीने से प्रधानमंत्री तीसरी बार उत्तराखंड दौरे पर आए, इस बार उनका यह दौरा राजनीतिक माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी ने कहा कि हम आपको आश्रित नहीं आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने इसके लिए योजना ला रहे हैं। और साथ ही पीएम ने कहा कि खेत में फसल और बिजली बने इससे देश पर भी भार नहीं आएगा। हमने देश में उजाला योजना शुरू की, उत्तराखंड में करोड़ रुपए एलईडी बल्ब को जो है दिए गए, आज हर घर में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। हमने मोबाइल फोन इंटरनेट सस्ता किया है, गांव में कॉमन सर्विस सेंटर भी खुलवाया है। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी देहरादून पहुंचकर किया। और वगैरह देश पारिश करो, हिमालय सांस्कृतिकरण करो एवं सुगंध पौधा के लिए कोशिश करो। एक बार जोरदार तालियां। 2573 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा। उत्तराखंड में औषधीय गुण वाली जो जड़ी बूटियां हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद है, उनकी मांग दुनिया भर में है। अभी उत्तराखंड के इस सामर्थ्य का भी पूरा उपयोग नहीं हो सका है। अब जो आधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला बनी है वो उत्तराखंड के सामर्थ्य को और बढ़ाएगी। भाइयों और बहनों, हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी किले हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर्यावरण सुरक्षा के साथ, विकास के साथ हमारे विकास के मॉडल का भी प्रमाण होगा। इसमें एक तरफ उद्योगों का कॉरिडोर होगा तो इसमें एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनेगा। ये कॉरिडोर यातायात तो सरल करेगा ही, जंगली जीवों को भी सुरक्षित आने जाने में मदद करेगा। साथियों,
तो वहीं खटीमा के नागरिक अस्पताल में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की तरफ से सीएम धामी की तरफ से वेतन में बढ़ोतरी करने पर धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी भी शामिल हुई, जहां गीता धामी का आशा हेल्थ वर्कर्स ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान गीता धामी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। साथ ही गीता धामी ने बीते दिनों में आशा वर्कर्स की तरफ से कोरोना महामारी के दौरान किए गए सेवा कार्यों की सराहना भी की और साथ ही उन्होंने कई लोगों को सम्मानित भी किया। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआ में दिव्यांग कल्याण समिति के तत्वाधान में हिंदू चौड़ स्थित पंचायत घर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस दौरान एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में वरिष्ठ बीजेपी के नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के फोटो पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष शंकर लाल ने सभी दिव्यांगों को विश्व दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने सरकारों से दिव्यांगों को सुविधा दिए जाने की मांग भी की है। तो वहीं भाजपा नेता पवन चौहान ने सभी को विश्व दिव्यांग दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि सरकार हमेशा से दिव्यांगों के साथ रही है और सरकार ने दिव्यांगों के लिए अनेकों योजनाएं भी चला रखी है, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इनकी जो भी मांगे हैं इसके लिए वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और साथ ही उन्हें इस बारे में अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जरूर इस ओर ठोस कदम उठाएंगे। और संकल्प लेता हूं और ये बात सत्यता है कि जिस तरह की मैंने आज इन सब बातों को इनकी भावनाओं को देखा है कि लोगों को इनको ये मान करके कभी नहीं सोचना चाहिए कि विकलांग है, इसी एक हीन दृष्टि हीन भावना से उसको देख के, तो ये बहुत गलत बात है। एक उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि विकलांग ने भी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। ऐसे ऐसे विकलांग हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे विज्ञान हमारे डॉक्टर हुए हैं जो विकलांग होते हुए भी मानसिक रूप से जो मजबूत है, जिन्होंने एक संदेश दिया है कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है, ये वास्तविकता है। कल तो कोई एक्सीडेंट में ठीक ठाक व्यक्ति का भी कोई पैर जा सकता है, हाथ जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो भी विकलांग हो सकता है। इसलिए कभी किसी को ऐसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, विकलांगता को मजबूती की ओर लाना चाहिए, उनकी भावनाओं को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि लगे कि उनको हम इस समाज में ठीक से रहते हैं। सबसे पहले मैं विश्व दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ अपने आप को कमजोर न समझें। हम शरीर से जरूर कमजोर हैं, मन हमारा हमेशा बुलंद होना चाहिए और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। तो वहीं मसूरी में मजदूर से लेकर सभी लोग मसूरी में लगातार गिर रहे ठंड और बारिश से परेशान नजर आए। तापमान में गिरावट के चलते लोगों को ठंड से बचने के अलावा और गर्म कपड़ों का सहारा भी लेना पड़ रहा है। तो वहीं मसूरी नगर पालिका की तरफ से मुख्य चौराहे पर जो है अलाव की व्यवस्था नहीं कराए जाने को लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी दिखी है। उन्होंने कहा कि हर साल दिसंबर महीने में नगर पालिका की तरफ से मसूरी के मुख्य चौकों पर लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था जो है वो कराई जाती है, लेकिन इस बार अब तक नगर पालिका प्रशासन ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि जल्द मसूरी के मुख्य चौकों पर अलाव की जो व्यवस्था है वो करवाई जाए। आपको बताएं कि उत्तराखंड के उच्च वाले क्षेत्र में बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है, जिससे निचले इलाकों में बादल छाए रहने के साथ ही प्रदेश भर में कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 13 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई और साथ ही उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय अपने 3 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान महामंत्री ने हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और कई साधु संतों से मुलाकात की
और साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद चंपत राय ने पत्रकारों से बातचीत कर राम मंदिर निर्माण को लेकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान अपने विचारों को साझा करते हुए चंपत राय ने कहा कि रामलला को 2023 तक उनके मूल निवास में स्थापित कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने भी कहा कि इस भव्य राम मंदिर की चार दीवारी 6.5 एकड़ भूमि में और यात्रियों की सुविधा को मिला लें तो पूरा राम मंदिर का जो निर्माण है करीब 18 एकड़ भूमि में हो रहा है। ये राम मंदिर भव्य होने के साथ ही विश्व में अद्भुत और अनूठा भी होगा। इतना ही नहीं, चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर में ऐसा पत्थर का कार्य करवाया जा रहा है जो पिछले 100 सालों में भारत में नहीं हुआ होगा। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी नींव होने वाली है। अभी सिर्फ राम मंदिर की नींव का ही निर्माण हो पाया है। भारत सरकार ने मंदिर निर्माण को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था भी है जो की जा रही है। भविष्य की सुविधाओं को संज्ञान में रखते हुए राम मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया जा रहा है। सदैव से चाहते हैं कि सरकारों का काम मंदिरों का संचालन नहीं है, मंदिर का संचालन मंदिर के भक्तों का काम है। हमारी सदैव से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत ये उसकी नीति का हिस्सा है। हमारा काम है गवर्नमेंट को परस्यू करना, हमारा काम है समाज को जगाना कि तुम भी अपने को तैयार करो अच्छा मैनेजमेंट बनाने के लिए। हमारा यही दो काम है, सरकार को कहना ये काम मत करो और जनता को कहना कि अपना अपग्रेड करो अपने को। मैनेजमेंट तो किसी के हाथ में जाएगा। तो वहीं रामनगर उपखनिज के लिए दापका नदी का शुभारंभ हो गया है। आपको बताएं कि क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा, डीएफओ बलवंत सिंह शाही, डीएलएम धीरेश बिष्ट ने रिबन काटकर दापका नदी का शुभारंभ किया। तो वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए वन प्रभाग के डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने कहा कि इस बार दापका नदी में उपखनिज संभवतः काफी मात्रा में है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली बार दापका नदी में उपखनिज निकासी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो कम था। उन्होंने आगे कहा कि इस बार का अभी खनिज निकास का जो दापका नदी से उपखनिज निकासी का घन मीटर तय नहीं हो पाया है और जल्द ही देहरादून से टीम आकर इसका लक्ष्य निर्धारित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोसी नदी में अभी पानी ज्यादा है, जैसे ही पानी कम होता है दिसंबर अंतिम सप्ताह तक कोसी नदी को भी उपखनिज के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरू हुए दापका नदी में उपखनिज का कार्य 2022 मई के अंतिम तारीख तक चलने वाला है। नदी में इस बार जो है उपखनिज काफी मात्रा में है, तो पिछले साल इसका लक्ष्य जो है 3,86,000 घन मीटर था, जिसमें से 86,000 घन मीटर प्राप्त हो सका। इस बार भी अभी इसकी असेसमेंट के लिए टीम नहीं आई है, दूसरी टीम आएगी तो इसके लक्ष्य का निर्धारण हो जाएगा। तो वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के जरिए विनय कुमार त्रिपाठी रामनगर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोविड के समय में बंद हुई ट्रेनों को फिर से चलाने को लेकर जीएम का घेराव करते हुए उन्हें ज्ञापन दिया है। आपको बताया कि कोविड के समय से रामनगर से मुरादाबाद तक जाने वाली लोकल ट्रेनों के साथ ही रामनगर हरिद्वार लखनऊ रामनगर अन्य जगह जाने वाली ट्रेनें जो थी वो बंद पड़ी हुई थी, तो वहीं उन ट्रेनों को फिर से खोले जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीएम से ट्रेन को फिर से चलाने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रेलवे के सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसमें वे उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में उन्हें आवाज़ उठाने की खुली छूट है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेनों के बंद होने से क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उन्होंने भी कहा कि रामनगर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होने से पर्यटन स्थल है जहां पर्यटक दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ट्रेन बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने तुरंत इन बंद हुई ट्रेनों को फिर से सुचारू करने की मांग की है, जिस पर विनय कुमार त्रिपाठी के PRO आशुतोष पंत ने कहा कि हम इस पर विचार कर तुरंत ही कार्रवाई करेंगे। आप
देखिए कोविड के समय लॉकडाउन में ट्रेनें बंद होना स्वाभाविक था, लेकिन कोविड हटने के बाद भी जो है तमाम ट्रेनों के को निरस्त कर दिया गया। रामनगर मुरादाबाद जो पैसेंजर ट्रेनें थी वो निरस्त कर दी गई। जो यहाँ से हमारे चाहे दिल्ली की ट्रेन हो, बॉम्बे की हो, हरिद्वार की हो, इन सारी ट्रेनों को एक एक करके रेल प्रशासन लगातार निरस्त करते जा रहा था। तो हमने आज यहाँ पर, हमें पता चला कि GM आ रहे हैं रेलवे के, तो हमने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया, उनका घेराव किया और मांग की कि जो ट्रेनें अब पहले तो नई ट्रेनें देनी चाहिए। रामनगर एक पर्यटन नगरी है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क यहाँ है और यात्रा धाम रूट तमाम उत्तराखंड के यहाँ से होके जाते हैं। हम इसका इस बार जो है वर्क सेंक्शन करा रहे हैं, ये बिल्कुल वाजिब मांग है और न केवल मतलब रेलवे के उससे बल्कि ये जनता की सेफ्टी से भी एसोसिएटेड है। तो इसको वर्क को सेंक्शन करा के अगले साल इसको शुरू करने का काम मेरे ख्याल में अगले साल खत्म भी हो जाएगा। महाप्रबंधक महोदय का निरीक्षण था, महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे का, तो रामपुर से लेके पूरा बकायदा ये काशीपुर होते हुए लालकुआ होते हुए अब रामनगर आए हैं और रामनगर स्टेशन का भी थोड़ी देर बाद निरीक्षण भी करेंगे इसका। तो यहाँ वही है जो रूटीन इंस्पेक्शन होते हैं, स्टेशन का इंस्पेक्शन, फैसिलिटीज़ या कोई सेफ्टी, रस्ते भर में उन्होंने सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पर क्या चीज़ कमी है और क्या ठीक है वो सब देखते हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता हरीश रावत रामनगर के ग्राम मालधन चौड़ पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने लोगों को संबोधित किया और साथ ही हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 2022 विधानसभा चुनाव पर चर्चा भी की। इतना ही नहीं, 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जीत का दावा भी उन्होंने किया। तो वहीं हरीश रावत ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं रामनगर के बीसाई पिरुमदारा में स्थित UAR हिंदू समिति की तरफ से निजी स्कूल में विकलांग बच्चों के लिए केक काटकर विकलांग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लिटिल स्कॉलर स्कूल की प्रबंधक श्रीमती रितु भल्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे दिव्यांग स्कूल को निरंतर सहयोग करती रहेंगी और साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से स्कूल को सहयोग देने की अपील की। दिव्यांग बच्चों ने कार्यक्रम की शुरुआत जो थी स्वागत गीत गाकर की, तो वहीं मुख बधिर बच्चों ने पहाड़ी पंजाबी डांस और पहाड़ी गीत सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों की तरफ से बनाई गई रंगोली और पेंटिंग कला ने भी सबको खूब प्रभावित किया। इस दौरान स्कूल के छात्रों ने दिव्यांग बच्चों के विद्यालय में डोनेशन के लिए ओपन आर्म्स प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी भेंट की है। कार्यक्रम का समापन सुश्री कविता बिस्ट प्रोजेक्ट के हेड UAR हिंदू समिति ने दान दाताओं का धन्यवाद किया। तो वहीं उत्तराखंड के चंपावत में उस समय हड़कंप मच गया जब देवी धुरा में एक दलित पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आपको बताएं कि व्यक्ति को एक शादी के निमंत्रण पर बुलाया गया था, जहां व्यक्ति ने अपने हाथों से भोजन लेकर खाने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने खाना खाते समय दलित के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। तो वहीं इस पूरे मामले की शिकायत मृतक के बेटे ने थाने में की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं मृतक के परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोहाघाट हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम आ जाओ। मैंने कहा कि अपनी मम्मी को लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पहुँचे तो मेरे पापा के कपड़े वपड़े फटे हुए और नीचे फर्श में बैठे हुए थे और वहाँ से डॉक्टर ने अगर पापा को चंपावत को रेफर किया तो चंपावत से
जब हम हल्द्वानी को रेफर किया तो रास्ते में पापा ने मेरे से कहा कि खाते समय मारा, इतना ही कहा। फिर काट दिया उसके बाद फोन, फिर दोबारा आया, ये तो बेहोश है, लोहाघाट ले जा रहे हैं, आओ ग्लूकोज व्लूकोज चढ़ाएंगे, ठीक हो जाएंगे, क्या कहते हैं। फिर मैं उसके बाद वहाँ गई, मेरे छोटे बड़े वाले लड़के और हम दोनों माँ बेटी वहाँ पे गए। मेरे पति ऐसे थे, बिल्कुल बुरी हालत में थे, मुझे नंगे देख के, अपने पति को देख के बड़े अफसोस हुए। उसके बाद हम सीधे चंपावत ले गए। जट्टा डूंगरा में रमेश राम हत्याकांड में जो कृत्य ठाकुर समाज के लोगों ने किया है, उसको शासन प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ना चाहिए और आरोपियों को जेल डालने का काम करना चाहिए। एक ऐसा परिवार जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर, अगर हम किसी को गरीब कह सकते हैं तो वो ये परिवार है, जिसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है, जिसके पास खाना बनाने के लिए अपना गैस तो है लेकिन गैस भरने के लिए पैसा नहीं है और लकड़ियां तक। तो वहीं अल्मोड़ा विधानसभा के तल्ला सल्ट में बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ता ने डॉक्टर यशपाल रावत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर यशपाल रावत अपने समर्थकों के साथ तल्ला सल्ट में रोड शो करते हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में डॉक्टर यशपाल रावत ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है। और साथ ही यशपाल रावत ने कहा कि विकास कार्यों के लिए बूथ स्तर पार्टी पर मजबूती से 2022 में भाजपा पुनः सत्ता में लौटेगी और उत्तराखंड में अब की बार 60 पार का लक्ष्य पार करेगी। अभियान में ग्राम प्रधान लुहेड़ा केशर सिंह, ग्राम प्रधान कोठल गांव मनोहर रौतेला, ग्राम प्रधान नैल पिनाकोट, महिपाल राम रविंद्र सिंह चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता और तमाम जो ग्रामीण थे वो भी मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में दुकान के मालिक ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आपको बताएं कि ग्राम पंचायत आज रोन में बीते दिन एक दुकान में कमर्शियल गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिसमें दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। तो वहीं दुकान के मालिक का कहना है कि मुझे अभी तक सरकार से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है, मैंने गैस एजेंसी से भी इस मामले की सूचना जो है गैस एजेंसी को दे चुका हूँ। और साथ ही पीड़ित ने कहा कि मुझे केवल आश्वासन मिला है लेकिन कोई मदद अब तक नहीं मिल सकी है। इतना ही नहीं, दुकान के मालिक ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, रेस्टोरेंट के सहारे अपना रोजगार जो है वो चला रहा था, मैंने पंजाब नेशनल बैंक से 6 लाख रुपए का लोन भी लिया था, वो भी अब तक मैं चुका नहीं पाया। तो वहीं पीड़ित ने सरकार से फिर से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कमर्शियल सिलेंडर फटने की घटना थी, उस पर जो गैस एजेंसी है उनसे वार्ता की गई है। गैस एजेंसी द्वारा जो संबंधित इंडियन कंपनी है उनको इसका प्रकरण भेजा गया है मुआवजे के संबंध में। क्योंकि इनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, इस संबंध में संबंधित कंपनी और गैस एजेंसी से वार्ता की जाएगी। जी का मामला मेरे संज्ञान में है और हम अपने कार्यालय से जितनी भी कार्रवाई थी, कागजी कार्रवाई, वो हमने आगे के लिए भेज दी गई है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं और जितनी भी कार्रवाई है वो इंडियन ऑयल करें। तो वहीं राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच भंडा सीओ और दशकी पट्टी की बैठक शंकर चंद रमोला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी आंदोलनकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को योग्य मुख्यमंत्री बताते हुए उनकी तरफ से किए गए ऐतिहासिक कार्यों की प्रशंसा की है। राज्य आंदोलनकारियों ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने पर सीएम धामी और प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भंडारी के अथक प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी कर उन्हें सम्मानित किया। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल उत्तरकाशी जनपद के
ब्रह्मखाल में संपन्न समारोह जो है वो आयोजित करेगा, जिसमें उत्तराखंड चिन्हित आंदोलनकारी और क्षेत्र की जनता की तरफ से धामी को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से समिति का जो गठन है वो भी किया गया। आंदोलनकारियों का प्रतिनिधि मंडल सम्मान समारोह की तिथि निर्धारित करने के लिए जल्द ही सीएम धामी से मुलाकात कर उसके बाद ही जो है तिथि निर्धारित की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में मौसम की करवट के बाद अब हार्ट अटैक और दमा के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है। ठंड के मौसम आते ही हार्ट अटैक और दमा के मरीजों की समस्याएं बढ़ती जाती है, जिसको देखते हुए ऐसे मरीजों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर आर के भारद्वाज ने कहा कि दमा और हार्ट अटैक के मरीजों को ठंड की दस्तक शुरू हो जाते ही ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे मरीजों को सुबह शाम की वॉक से परहेज करना चाहिए और खान पान का विशेष ख्याल उन्हें रखना चाहिए। तो वही ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र स्थित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यालय में करीब 30 लाख की चोरी का मामला निकलकर सामने आया। तो वहीं चोरी करने के मामले में पुलिस ने पुराने नौकर को उसके साथी के साथ अब गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी रिश्ते में जीजा साले लगते हैं, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई रकम से 22 लाख नगद, दो चादर, हथौड़ी और सूत की रस्सी बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उन्हें अब जेल की सजा सुनाई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। दिनेश और पंकज को फिर इनको पकड़ा गया तो इनके पास से 22 लाख रुपए कैश बरामद किए गए और ये दोनों ही चिन्यालीस और उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। पूर्व में दिनेश इनके यहाँ ऑफिस बॉय के रूप में काम करता था, तो इसको पूरी मोटर सप्रेंडी पता थी कि पैसे का कैसे आता है, फिर कब बैंक में ले जा के जमा करते हैं और बैंक पैसा जो आता है तो उसको कहाँ रखा जाता है, तो उसको पता था, पिन पॉइंट था कि पैसा यहाँ पर रखा जाता है और ऐसे ऐसे पैसा आता है। तो वो वहीं पे जो इनकी कंपनी है, कंपनी के बाहर ही चाउमीन की ठेली भी लगाता था, जिससे कि उसका गुजर बसर बता रहा था कि नहीं हो पा रहा था। तो उसको लालच भी आया कि वहाँ पे पैसे आते रहते हैं और फिर अपने ही रिलेटिव के साथ प्लान बना के और एक पहले ऑफिस का शीशा उखाड़ने की कोशिश किया, लेकिन शीशा भारी होने की वजह से नीचे गिर गया। लेकिन तो वहीं रुड़की में कांग्रेस की सदस्यता अभियान में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता रणबीर नागर समेत सैकड़ों लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेशाध्यक्ष गणेश कोडियाल के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही पीपुल्स पार्टी का विलय करते हुए सभी पदाधिकारी और समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बताएं कि रुड़की में दिल्ली रोड स्थित निजी होटल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंसराज सचदेवा के संयोजन में सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विहिप के मंत्री रणवीर नागर समेत सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इसी के साथ ही पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नजर आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।